हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पीएसयू बैंक्स के बारे में। और जैसा कि आप सभी ने न्यूज़ पढ़ ली होगी, आई बिलीव कि शक्तिकांत दास जो हैं वो नए आरबीआई के गवर्नर बने हैं। और पीएसयू सेक्टर बैंक में आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली और काफ़ी पॉजिटिवली शक्तिकांत दास को लिया गया है। अमिताभ कांत का मानना भी है कि शक्तिकांत दास जो है वो एक ऐसे मझे हुए फाइनेंस के अनुभवी व्यक्ति हैं जिनसे अच्छी शायद ही इस वक्त किसी को नॉलेज हो, जानकारी हो। तो ऐसे समय में जबकि इलेक्शंस करीब है, माना जा रहा है कि शक्तिकांत दास के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उनको बहुत कुछ बहुत ही क्विक समय में काम करना, लाइक पीएसयू सेक्टर के बैंक्स में जो भी फंड एलोकेशन करना है, साथ ही साथ जो भी आपके यू नो एनबीएफसीज हैं उनको लिक्विडिटी का जो इशू है उस पर काम करना है। साथ ही हो सकता है कि सरकार कुछ पैसा भी आरबीआई से डिमांड कर सकती है। प्रोबेबली चांसेस है, बट दीज आर द र्यूमर्स कि कुछ आगे इलेक्शंस के लिए, कुछ कर्ज माफ़ी के लिए या कुछ करने के लिए हो सकता है कि जो काम उर्जित पटेल अलाउड नहीं कर रहे हो या उनकी टीम के और लोग अलाउड नहीं कर रहे हो, शक्तिकांत दास को उसी वजह से लेके आया गया हो। क्योंकि सडनली उर्जित पटेल का जो इस्तीफ़ा है वो कहीं ना कहीं तो एक डाउट क्रिएट करता है कि एकदम से ऐसे कौन सी पर्सनल इमरजेंसीज आ गई कि आपने एज एन आरबीआई गवर्नर रेजिग्नेशन दे दिया। खैर, वो तो बातें एक लॉन्ग डिबेट की है, पता नहीं। लेट्स सी कि शक्तिकांत दास का सरकार के साथ कैसा रहता है और ये दिखाना होगा कि सरकार से अब किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है। पीएसयू सेक्टर में आज अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, तो क्या इज दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द पीएसयू सेक्टर बैंक? क्योंकि पीएसयू सेक्टर के बैंक जो है काफ़ी पिट चुके हैं, और क्या ये बेहतर समय है जब हम पीएसयू बैंक्स के अंदर निवेश कर सकते हैं? क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर टाइम पे हमने किसी भी स्टॉक में बाइंग किया तो हमें अच्छे मुनाफे मिलते हैं। और यहाँ से अगर हम लोग पीएसयू सेक्टर के बैंक के बारे में बात करते हैं, सो काफ़ी करेक्शंस के जोन में इस वक्त पीएसयू सेक्टर के बैंक्स हैं, जिनमें कुछ स्पेशल बैंक्स के बारे में बात करूँगा जो बड़े दिग्गज बैंक्स हैं पीएसयू सेक्टर में, जिसमें कि पीएनबी 70 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। और अगर आप देखेंगे मंथली चार्ट में, आपको दिखा रहा हूँ, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑन द लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, हम लोग एक अगले 2-3-4 साल की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम 1 या 2 महीने 6 महीने की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं 3 से 5 साल में आगे पीएसयू सेक्टर बैंक में क्या इससे बेहतर लेबल्स मिल पाएंगे। तो मुझे लगता है शायद ये लेबल्स वापस इतनी जल्दी आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक पीएसयू सेक्टर बैंक्स में कमिंग मंथ्स में, यानी कि बहुत जल्दी नहीं, 2-4 महीने में नहीं, बट आफ्टर जनरल इलेक्शंस 2016, मुझे लगता है कि अगला 1 साल जो है वो पीएसयू बैंक्स के रीस्ट्रक्चरिंग का समय है। यहाँ से पीएसयू सेक्टर बैंक्स में एक रीस्ट्रक्चरिंग होगी और 2019 लास्ट तक ऑलमोस्ट मुझे लगता है काफ़ी कुछ रिकवरीज हो जाएगी और FY20 के जो मार्च फाइनेंशियल्स के नंबर आएंगे उनमें पीएसयू बैंक की स्थिति में काफ़ी कुछ सुधार हमें दिखाई दे सकता है। तो अभी जो लेबल्स हैं, 70 रुपीज़ पे चल रहा है पीएनबी। और अगर हम लोग बात करते हैं इसके सपोर्ट जोन की, तो दोस्तों देखिए, यहाँ से अगर हम क्लोजिंग की बात करते हैं, क्लोजिंग बेसिस पर बात करते हैं, फ्लक्चुएशन बेसिस पर बात नहीं करते, तो क्लोजिंग बेसिस पर बात करते हैं, तो यहाँ से एक बड़ा सपोर्ट जो था ये वाला आप देखेंगे, यहाँ 67 रुपीज़ का सपोर्ट था जिसको इसने यहाँ तक होल्ड किया, बट उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इसने इस लेवल को ब्रेक किया, जो क्लोजिंग दिया वो 59 रुपीज़ पर दिया। तो अब हम मान के ये चलेंगे कि यहाँ से जो इसका बड़ा सपोर्ट जोन है वो दिस वन, ये कैंडल है, इस कैंडल का जो लो है, इस वाली कैंडल का 31 मार्च 2009 का जो लो है वो हम इसका मेजर रेजिस्टेंस मान के चलेंगे, दैट इज़ द 55 रुपीज़ 99 पैसा। ओके, तो यहाँ से 55 रुपीज़ 99 पैसा यानी 56 रुपीज़ जो है वो पीएनबी बैंक का बहुत ही मेजर स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। यानी कि अगर आपको 55-58 की रेंज में दोबारा कहीं मिल पाता है, 55 से 60 की रेंज में मिल पाता है, देन डेफिनेटली आप एवरेजिंग डाउन कर सकते हैं, वहाँ पर लेबल्स बना सकते हैं। एट प्रेजेंट वैल्यूएशन पर भी आप SIP क्रिएट कर सकते हैं और आप कम से कम 3 साल के लिए होल्ड कीजिएगा, आपको यहां से काफ़ी भारी भरकम मुनाफे बैंक में देखने को मिल सकते हैं पीएनबी बैंक के अंदर। क्योंकि इसका जो अपसाइड का रेजिस्टेंस है वो लगभग 200-225 रुपये का है, जो कि मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 सालों के अंदर वापस ये काउंटर आपको
लगभग 200-225 का लेवल डेफिनेटली दिखाएगा। तो यहाँ से बहुत अच्छे लेवल थे, लगभग 3 times आपको यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप आज निवेश करते हैं तो अगले 3 सालों में आपका जो पैसा होगा वो 3 times बढ़ जाएगा। सो ये PNB के बारे में बात की। इसके अलावा हम दूसरा बैंक बात करेंगे, बैंक ऑफ इंडिया, इट्स अनदर वेरी गुड बैंक। और यहाँ पर भी हम देखेंगे जो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन है वो है 73 rupees का द बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, यानी कि 70 rupees को आप एज ए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना कर चलिए, और 70 rupees के आसपास कभी भी आपको काउंटर मिलता है, और एट प्रेजेंट पर भी काउंटर के अच्छे वैल्यूशंस मुझे नज़र आते हैं। यहाँ से इस काउंटर में वापस मुझे 200-225 के लेवल एटलीस्ट दिखाई देते हैं अगले 2 से 2.5 सालों के अंदर, यानी कि जब PSU बैंक चलने शुरू करेंगे तो सभी बैंक्स एक साथ एक रफ्तार से चलेंगे। और यहाँ पर PNB बैंक और बैंक ऑफ इंडिया दोनों ही अपने बहुत ही क्रूशल सपोर्ट एंड बॉटम फॉर्मेशन पर लगे हुए हैं। यहाँ से जो बाइंग पोजिशन है, देखिए आप ये मत सोचिएगा अगर आपने 84 पर ख़रीदा तो भैया 75 नहीं आना चाहिए, आप सपोर्ट को समझिएगा। सपोर्ट हम कह रहे हैं जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है 70 rupees का है, 70 भी आ सकता है फ्लक्चुएटेड जोन में, ठीक है, बट रिवर्सल आएगा वहाँ से, ठीक है। तो आप या तो आप 70-75 का वेट कीजिए, या फिर अगर आप एट प्रेजेंट रेट पर भी ख़रीदारी करते हैं तो वहाँ पर आप जो है वो इस वक्त ख़रीदारी स्टार्ट करेंगे, SIP क्रिएट करेंगे, और SIP बनाने के बाद यहाँ से हर महीने आप लोग 50-100 शेयर्स खरीदेंगे बैंक ऑफ इंडिया में, 50-100 शेयर्स खरीदेंगे PNB के अंदर। तो जब PSU बैंक्स की स्थिति पर सुधार आएगा अगले 2 से 3 सालों में तो आपको इसमें लगभग 3 गुने के मुनाफे डेफिनेटली मिल सकते हैं। इसके अलावा एक और बैंक है जिसको हम बात करेंगे, द थर्ड वन इज द PNB एंड सिंडिकेट बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, दिस इज़ द अनदर बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा इज ऑल्सो एट इट्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 90 rupees, 90 rupees का बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आप देखेंगे बहुत ही करेक्शन में आ चुके हैं सभी काउंटर्स, लगभग बैंक ऑफ बड़ौदा का हाई था लगभग 220-230 rupees का था हाई, एंड वहाँ से काउंटर में लगभग काफ़ी गिरावट आ चुकी है। अभी 91 rupees के आसपास का ये सपोर्ट बना कर रखेगा, और उसके बाद 90 rupees के सपोर्ट के बाद यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल की तैयारी में है ये काउंटर। मुझे लगता है ये काउंटर भी आपको अगले 2 से 3 सालों में लगभग 200-300 rupees तक का लेवल दिखा सकता है। सो दिस इज़ द थर्ड काउंटर बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके अलावा जो फोर्थ काउंटर हमारा आता है उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिस इज़ द फोर्थ एंड लार्जेस्ट बैंक इन द पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। तो ये रहा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर हम डाउन साइड लेवल्स को देखते हैं तो फिर मैं लगभग 140-145 की रेंज में बहुत ही मजबूत सपोर्ट जोन है, यानी कि अगर यहाँ से स्टेट बैंक में करेक्शन आता है तो वो मैक्सिमम आपका मैक्स टू मैक्स अगर वर्स्ट कंडीशंस आती हैं तो 140-150 की रेंज में आ पाएगा, ठीक है। यहाँ से स्टेट बैंक का जो अगर हम बात करें ब्रेकआउट लेवल है तो वो ब्रेकआउट जोन तकरीबन होगा 360 rupees का, यानी कि वंस द स्टेट बैंक विल क्रॉस द 360 rupees, इसमें एक बड़े मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। बट शॉर्ट टर्म में मुझे स्टेट बैंक में करेक्शन लगते हैं, तो अभी आप लोगों को स्टेट बैंक के अंदर बाइंग पोजीशन नहीं बनानी है। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, ये काउंटर्स मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि इनमें जो करेक्शन है वो काफ़ी लिमिटेड रहेंगे। बट स्टेट बैंक के अंदर मुझे लगता है कि कुछ बड़े करेक्शन भी आ सकते हैं, सो आप थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, छोटी क्वान्टिटी में परचेस कीजिए। बट अब PSU बैंक्स में ख़रीदने का मुझे लगता है बेहतर समय है क्योंकि नुकसान की गुंजाइश कम है यहाँ से और मुनाफे की गुंजाइश ज़्यादा है। तो ये 4 counters हमने बात की PSU बैंक में, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा एंड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आप इन 4 ही स्टॉक्स में अपनी नज़र बना कर रखिएगा, समझदारी से निवेश का निर्णय लीजिएगा और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ ही निवेश कीजिएगा। बल्क बाइंग से बचिएगा, एग्रेसिव ट्रेडिंग से बचिएगा क्योंकि ये आपको नुकसान भी दे सकते हैं। सो अपनी एनालिसिस करते रहिएगा, एक समझदारीपूर्ण अगर निर्णय आप लेंगे तो आपको अच्छे मुनाफे PSU बैंक्स में आने वाले समय में मिलेंगे दोस्तों।